हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीटेक चैनल में। मैं हूं विशाल। दोस्तों, आज की जो न्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है मी ए टू डिवाइस के लिए। मी ए टू डिवाइस में आपको बहुत ही जल्द एंड्रॉयड 9 पाई का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एंड्रॉयड 9 पाई का जो बीटा अपडेट है ये रिलीज हो चुका है और बीटा यूजर्स जो है उन्हें ये अपडेट मिल रहा है। ये जो अपडेट है ये कल से रिलीज कर दिया गया है मी की तरफ से और बीटा यूजर्स इसे अपडेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है ये है साइज में 1.5 GB के आसपास और ये जो है ये एंड्रॉयड 9 पाई का बीटा अपडेट दे दिया गया है मी की तरफ से। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मी ए टू के लिए जो बीटा अपडेट है वो रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, इस अपडेट के बाद आपको आपके फोन में काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें नया फीचर एआई का भी फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, तो काफी कमाल का फीचर है ये। कैमरा इम्प्रूवमेंट काफी अच्छी हो जाएगी, बैटरी इम्प्रूवमेंट, एडेप्टिव बैटरी, एडेप्टिव ब्राइटनेस, जेस्चर सपोर्ट, कई सारे अलग अलग फीचर्स आपको एंड्रॉयड 9 पाई में देखने को मिल जाएंगे। ये जो अपडेट है ये अब रिलीज कर दिया गया है बीटा यूजर्स के लिए, तो आने वाले कुछ ही दिन में आपको एंड्रॉयड 9 पाई का स्टेबल अपडेट मी ए टू डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। यानी आने वाले अगले महीने में दिसंबर में आपको 100% एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट मी ए टू में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मी ए वन में जो है एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट दिसंबर में नहीं आएगा, वो आपको शायद आने वाले नए साल में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड 9 पाई का जो बीटा अपडेट है मी ए वन के लिए अभी भी रिलीज नहीं किया गया है। मी ए टू एक नया डिवाइस है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो पहला प्रेफरेंस उसी को रहेगा और उसी को पहले एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट दे दिया जाएगा, उसके बाद मी ए वन के लिए एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ न्यूज निकल के आई थी मी ए टू डिवाइस के लिए। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।